12 जून को चीन के जोशान शहर में हृदयघात के चलते काल के गाल में समाये मरीन इंजीनियर अनिल कुमार के पार्थिव देह को भारत आने में अभी 10 दिन और लग सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जब विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद से मामले में प्रगति पूछी तो विदेश विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप ने ये जानकारी दी। दूसरे दिन भी विदेश मंत्री से मिले आगरा के सांसद। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर को कागजात उपलब्ध करा मामले का अपडेट लिया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने विदेश विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप को तलब कर इस मामले पर अब तक विदेश विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब कर ली। अभी 10 दिन और लग सकते हैं पार्थिव देह के भारत आने में। विदेश विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएफएस अधिकारी संदीप ने जानकारी दी कि विदेश विभाग चीनी अधिकारियों के संपर्क में है। चीन की आव्रजन नीति के नियम कड़े हैं, जिसके चलते मृतक का पार्थिव शरीर आने में अभी 10 दिन का समय और लग सकता है। मामले पर की जा रही कार्यवाही से परिजनों को अवगत कराए विदेश विभाग। आगरा के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विदेश विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप कुमार से इस मामले में त्वरित कार्यवाही के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में विदेश विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही और चीनी विदेश विभाग द्वारा दिए जा रहे रिस्पांस की प्रॉपर जानकारी दी जाए, जिससे मृतक के परिजनों तक सही जानकारी पहुँच सके। 12 जून को चीन में हुई थी मरीन इंजीनियर की मौत। आपको बता दें कि अनिल कुमार चीन के झेजियांग प्रांत के झोशान शहर में तैनात थे। वे मर्चेंट नेवी कंपनी MVGH नाइटिंगल में चीफ इंजीनियर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 11 जून की रात्रि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें झोशान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से ठीक होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। 12 जून की दोपहर अचानक सीने में फिर से दर्द होने लगा और उन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बार वे हॉस्पिटल से जीवित नहीं लौट सके, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तब से लेकर अब तक उनका परिवार पार्थिव देह का इंतजार कर रहा है। उनकी पत्नी और मां निरंतर चीनी दूतावास के संपर्क में हैं। 15 दिन से पार्थिव देह का इंतजार। मरीन इंजीनियर अनिल कुमार के पार्थिव शरीर का उनकी पत्नी और मां 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं। उनकी पत्नी अपने पति के पार्थिव शरीर के लिए भारत के विदेश मंत्रालय चीनी दूतावास के लगातार संपर्क में हैं। मां की आंखें अपने लाडले की पार्थिव देह के इंतजार में पथरा चुकी हैं, वहीं पत्नी की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। उनके दुखों का कोई पार नहीं है। पीएम और विदेश मंत्री के एक्स पर पोस्ट कर मांगी मदद। मृतक की पत्नी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम और विदेश मंत्री से भी मदद मांगी थी। जब आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को इस घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने स्वतः ही संज्ञान लेकर मामले की तहकीकात की। उन्होंने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को मामले की जानकारी दी। उसके बाद उन्हें मृतक की सारी डिटेल्स उनके सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराई थी। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।